जैसे कि आपको पता है, सर ने बता दिया आपको, ये 10 बच्चे जो है इन्होंने सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे। 3 मंथ्स का क्रंच कोर्स है, जिसमें 1 मंथ आपका थ्योरी का होगा, तो 2 मंथ्स जो बाकी बचे हैं वो प्रैक्टिकल के होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं यहाँ 9 महीने से एज ए BMO यहाँ पे तैनात हूँ, मैंने देखा कि यहाँ के जवान जितने भी हैं इनमें बहुत टैलेंट है। जैसे कि मैं देखता आया हूँ, कभी जहाँ भी, कभी क्रिकेट हो, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में हो, म्यूजिक हो, पढ़ाई हो, हर किसी फील्ड में यहाँ के जवान जो है बहुत टैलेंट। तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगी, तो जितने भी सारे फिर एडवर्टाइज यहाँ भी जो निकलता है, आपको वहाँ पे जॉब मिल सकता है और आप कर सकते हो। इसलिए मैं इनका फिर से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इतनी मेहनत से, मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से ये 3 महीने अपने जो है लगन से दे दोगे। तौफीक अहमद, मैं एजाइट इंस्टीट्यूट बानिहाल का तालबिलों को, जैसे कि आपको पता ही है, बारारा कैंप बानिहाल हमारे लिए एक कोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसका नाम है फूड क्राफ्ट कोर्स। ये 3 महीने का कोर्स है, 1 महीने इसमें थ्योरी चलेगी, 2 महीने प्रैक्टिकल रहेगा। इसमें 10 बॉयज की वैकेंसी रखी है इन बारारा कैंप ने। सर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं बारारा कैंप बानिहाल का। थैंक यू बारारा कैंप बानिहाल। मेरा नाम शाहरुख खान है, मैं ब्राह्मण बानिहाल से बिलोंग करता हूँ। जी, जैसे कि आप जानते हैं, ऑर्गेनाइज कर रही है कोर्स, फूड क्राफ्ट का कोर्स ऑर्गेनाइज कर रही है, उसकी वजह से यहाँ पर आज सारे इकट्ठे हुए हैं। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बारारा इंडियन आर्मी का, जिन्होंने ये कोर्स प्रोवाइड किया, ठीक है। और खाली यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, इससे पहले इंडियन आर्मी ने हमें जो है बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए, जैसे इलेक्ट्रिकल का कोर्स दिया, 10 बच्चों को फ्री दिया, तो कटिंग टेलरिंग का कोर्स दिया, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन आर्मी जो है आगे की तरफ भी बानिहाल के यूथ का, बानिहाल के नौजवानों का ख्याल करेगी और ज्यादा कोर्सेज जो है बानिहाल के यूथ को प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए जो आज का ये इन्हें कोर्स प्रोवाइड किया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और साथ में हमारे हुसैन सर जो MT है HIIT बानिहाल के, उनका भी हम फूड क्राफ्ट जो है ना कोर्स, यहाँ पे इसका फीचर्स क्या है इसका? फूड, देखिए, फूड क्राफ्ट का फीचर ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है टूरिज्म चल रहा है, ठीक है ना, तो बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो किसी भी होटल में, किसी भी हॉस्टल में, कहीं पर भी, देखो हमारे यूथ जो है वो बेरोजगार बैठे, वो घरों में बेरोजगार बैठे, वो धक्के खा रहे हैं। और हमारा बानिहाल जो है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी स्किल को लेने के लिए, किसी भी कोर्स को करने के लिए। तो हमारी इंडियन आर्मी जो है ये फ्री करा रही है, 10 बच्चों को फ्री करा रही है। इससे क्या होगा, जब भी कोर्स हम करेंगे, जब भी यहाँ के बच्चे कोर्स करेंगे, तो उनके अंदर एक स्किल आएगी, वो किसी भी हॉस्टल में, वो किसी भी होटल में, कहीं पर भी जो है, किसी भी रेस्टोरेंट में जो है अपनी स्किल दिखा सकते हैं और अपनी जिंदगी जो है आगे की तरफ आसान कर सकते। ये दिया हमें इलेक्ट्रिकल का कोर्स दिया, बानिहाल की लड़कियों के लिए जो है कटिंग टेलरिंग का कोर्स दिया, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स दिया, टूरिज्म का कोर्स दिया, बहुत सारे कोर्स जो है 12 RR की इंडियन आर्मी ने हमें प्रोवाइड किए, बानिहाल को प्रोवाइड किए। जैसे आप जानते हैं कि बानिहाल हमारा जो है जम्मू कश्मीर में, जो बानिहाल है वो पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे पीछे है। तो इंडियन आर्मी जो है इस यूथ को देख रही है, इन नौजवानों को देख रही है, और बानिहाल के जो नौजवान है, बानिहाल का जो यूथ है, उनको करने की बहुत चाह है, उनको बहुत कुछ करने के जो है मन करता है, बहुत कुछ करने की हिम्मत है। लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पर कुछ था नहीं वैसा कि जिससे वो जो है अपना हुनर दिखाते, जिससे वो जो है वो कुछ कर पाते। लेकिन अब जो है हमारे MD हुसैन सर है, हमारी 12 RR की आर्मी जो है, इंडियन आर्मी जो है 12 RR की है, उन्होंने नौजवानों को देखा, उन्होंने यूथ को देखा, तो उन्होंने जो ये सब कोर्स जो है यूथ के लिए सोचा, उन्होंने ये डिसीजन लिया, उन्हें ये लगा कि हमारा यूथ जो है, बानिहाल का यूथ जो है, ये जाया नहीं होना चाहिए, ये दरबदर नहीं होना चाहिए। तो उस यूथ को मद्देनजर रखते हुए जो उन्होंने कोर्सेज जो है हमें प्रोवाइड किए, हम दिल से शुक्रिया करते हैं इंडियन आर्मी का, 12 RR इंडियन।